नमस्कार, अजित बिहार में आप सभी का स्वागत है। रिया सिन्हा आपके साथ है। कहा जाता है कि बिहार में जब तक कट्टे बंदूक और बम न फूटे तब तक समझ लेना कि बिहार में चुनाव पॉसिबल नहीं है, बिहार का नाम बिहार नहीं है। ये इमेज क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, इन सब चीज़ों से हम वाकिफ हैं। और अब यही मामला सामने आया है। औरंगाबाद से तस्वीरें सामने आ रही है जहाँ नक्सलियों ने एक बार फिर से बम धमाके करने की कोशिश की है। हालांकि उसे डिफ्यूज कर दिया गया, लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब इतनी सिक्योरिटी है, इलेक्शन कमीशन इतना सब कुछ किया गया है, वोटिंग फेज का आज पहला दिन है, आज पहले दिन उन जगहों पर इलेक्शन है, बेसिकली हॉट सीट्स हैं और नक्सल इलाकों में शामिल हैं, औरंगाबाद उनमें से एक जगह है। और औरंगाबाद से यह बड़ी खबर सामने आई है कि वहां नक्सलियों ने बॉम्ब प्लांटेशन किया है। 28 अक्टूबर के सुबह में ही बॉम्ब प्लांटेशन किया गया था मतदाताओं को डराने के लिए। और यह खबरें सामने आ रही है कि जिस तरीके से दिन ब दिन हम यह सुनते आ रहे हैं कि यहाँ बॉम्ब प्लांटेड है, वहाँ बॉम्ब प्लांटेड है, यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है सरकार की ओर। और जो सारी चीज़ें हैं कि किस तरीके से नक्सलियों के इरादे जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पिछले खबर हमने सुनाई थी आपको कल, यानी कि 27 अक्टूबर को गया की, कि वहां किस तरीके से बॉम्ब प्लांटेशन किया गया था। और अब जो हम आपको बता रहे हैं वो है खबर औरंगाबाद की। औरंगाबाद से यह बड़ी खबर सामने आई है कि नक्सलियों ने देव के बालूगंज बरंडा रोड में भालू आही CRPF कैंप के जवानों ने उसे निकाला और डिफ्यूज किया है। SP सुधीर कुमार पोरेका ने बताया कि नक्सलियों के मंशे को CRPF 153 बटालियन ने ध्वस्त कर दिया और पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी कर दिया है। जी हाँ, अब उसे डिफ्यूज़ कर लिया गया है। लेकिन इस पर हमारा एक बहुत बड़ा सवाल है कि नक्सलियों के इरादे दिन ब दिन ऐसे क्यों बढ़ते जा रहे हैं, और जब भी इलेक्शन होता है तब भी खटपट इतनी शुरू कैसे हो जाती है, कभी कट्टों पे, कभी बंदूक पे, कभी बॉम्ब के, इस आधार पर वोट लेना, उसके अलावा वोट काटना। हम सबको पता है कि नक्सलियों के इरादे होते हैं एंटी गवर्नमेंट, यानी कि अगर सरकार ही नहीं बनती तो उससे उनका जो इरादा है वो पूर्ण हो जाता है। और यही यूज़ किया गया है यहाँ पर जानबूझकर मतदाताओं को डराने के लिए, ताकि वो वोटिंग बूथ पर ना जाए और वोट ना डालें, जिसकी वजह से सरकार जो है वो ना बने। और यही इन्हीं इरादों के साथ औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, जितने भी अगल बगल के नक्सली इलाके हैं, हर जगह खटपट जो है लगातार सामने आ रही है। तस्वीर देखिए किस तरीके से बॉम्ब प्लांटेशन किया गया था, और CRPF, हमारे CRPF के जवानों ने अपने जान पर खेल कर इन्हें डिफ्यूज़ किया है। यह बड़ी खबर जो है औरंगाबाद से सामने आ रही है। तस्वीरों में बॉम्ब दिख रहा है आपको, और ये चीज़ें दिन ब दिन क्लियर होते जा रही है कि अभी तो भैया वोटिंग फेज का पहला दिन है, उसके बाद 3 को भी होने हैं, 7 को भी होने हैं, क्या क्या चीज़ें और भी होने वाली है, चाहे वो नक्सली इलाके हों या ना हो। बहुत सारी खबरें ये भी आ रही है कि वोटिंग बूथ में घुस घुस कर जितने लोग हैं, किसी कोई प्रत्याशी हैं, वो चाह रहे हैं कि उनके लिए वोट किया जाए। आज भी प्रचार प्रसार उन जगहों पर शुरू है जहाँ पर वोटिंग होनी है, जबकि यह जो है नहीं किया जाना चाहिए। और गया के हमने आपको थोड़ी देर पहले खबरें दिखाई कि किस तरीके से महिला जो है वहाँ पे हंगामा कर रही हैं और बता रही हैं कि कार्यकर्ता उनके घर में घुसकर जबरदस्ती वोट देने की बात कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी का मतलब यह नहीं होता। डेमोक्रेसी एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है, अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। हम सभी लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि सोच समझ कर वोट करें। आपका वोट जो है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, वो सरकार को उथल से पुथल कर सकता है और एक अच्छी सरकार भी बना सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एचएस बिहार के चैनल के साथ जुड़ने के लिए। हमारे वीडियोस को अगर आपको पसंद आता है शेयर भी कर दिया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।